Hey friends, welcome back to our new video. आज की वीडियो पूरी देखना क्योंकि हम बताने वाले आपको एक स्पेशल समर सेल के बारे में जहां आपको मिल सकता है एक ब्रांड न्यू आईफोन 15 सिर्फ एक रुपए में। क्यों विश्वास नहीं हुआ ना तो दोबारा सुनो आईफोन वो भी सिर्फ एक रुपए में। जानने के लिए बस वीडियो देखते रहो। तो आज हम भिड़ाने वाले हैं मैकडोनल्ड्स के अलग अलग आउटलेट्स को। तो ये क्यों भिड़ाएंगे और इसका आखिर में रिजल्ट क्या निकल के आएगा वो सारी चीजें जानने के लिए आज की वीडियो पूरी देखना। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को भूले बिना लाइक जरूर करना और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाओ और सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के चैलेंज शुरू करते हैं। यस सो लेट्स गो। तो दोस्तों चलिए अब बात करते हैं कि आपको कैसे मिल सकता है आईफोन 15 वो भी सिर्फ एक रुपए में। सीक्रेट है आपके क्रिकेट का क्रेज। 3 अप्रैल को टाटा IPL का मैच है कोलकाता वर्सेस दिल्ली के बीच में। मैच से पहले डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड करो My11 सर्कल ऐप और टीम बनाओ। टीम बनाने के लिए आपको दोनों टीम से 11 बेस्ट प्लेयर्स सिलेक्ट करने हैं और उनके एक्चुअल परफॉर्मेंस के बेसिस पर आपको पॉइंट्स मिलेंगे। आपके जितने ज्यादा पॉइंट्स होंगे उतने ही बड़े प्राइजेस आपको मिलेंगे। और अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो इस ऐप के एक्सपर्ट टीम सेक्शन से टीम कॉपी कर लो, डाउनलोड करके गिव अवे ज्वाइन करो और जीतो आईफोन 15। इस कॉन्टेस्ट की एंट्री फीस सिर्फ एक रुपया है और ये कॉन्टेस्ट सिर्फ 3 अप्रैल के मैच के लिए ही वैलिड है और सिर्फ हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए है और हमारे दिए हुए लिंक से ही एक्टिवेट होगा। IPL के हर मैच में मेगा कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो जिसमें फर्स्ट प्राइज मिनिमम 1 करोड़ है। तो सोचो और कितने बड़े प्राइज होंगे। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाके डाउनलोड करो और वहां जाके यूज करो हमारा कूपन कोड। तो इससे आपको डिपॉजिट करते ही मिलेगा 20% एक्स्ट्रा कैश। हमने तो अपनी टीम बना ली है और अब आप आपकी टीम बनाइए ऑन My11 सर्कल फॉर कोलकाता वर्सेस दिल्ली मैच। और हाँ इस बार My11 सर्कल ऑफिशियल पार्टनर भी है टाटा IPL का। तो ये रहा आज का फूड जो हमने मैकडोनल्ड से मंगवाया है। और भाई तीनों जगह से ऑर्डर किया है बिल्कुल सेम फूड। हाँ। और कोई प्राइस में फर्क नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ जोमेटो के डिलीवरी चार्जेस में फर्क था। तो वो तो भाई हो सकता है क्योंकि भाई कोई पास में है कोई और दूर है और कोई और भी दूर है। तो अभी स्टार्ट करते हैं उनके पैकिंग से। पैकिंग ये दोनों की मेरे को बिल्कुल सेम लग रही है, यहाँ पर कोई भी सील नहीं है। हाँ। ये जो इनका गोल्डन गारंटी वाला जो सील आता है एक्स्ट्रा सेफ ग्रेट टेस्ट ऐसा लिखा है इसके ऊपर। हाँ बहुत कुछ लिखा है, फैक्ट्री तो बड़ी बड़ी है लेकिन इसके ऊपर कुछ भी नहीं मारा है उन्होंने भाई। बाकी ये दोनों पे 3-3 मारा है सील। हाँ और बिल भी चिपकाया है, इस पर भी चिपकाया है, इस पर भी चिपकाया है और इस पे भी। हाँ तो भाई बाकी सब सेम है लेकिन सील इसके ऊपर नहीं मारा। हाँ। तो एक आध भाई बर्गर निकल के गिर जाएगा तो किसी को पता नहीं चलेगा ऐसा है। तो अभी धीरे धीरे एक एक चीज निकाल के देखते हैं कि चीज का पैकिंग कैसा है। सबसे पहले कोल्ड ड्रिंक, ओहो पेपर बैग के अंदर। भाई सबसे पहले वो निकाल फिर मैं बाद में निकाल दूँ। ओके सबसे पहले इसका, चलो कोल्ड ड्रिंक भाई पेपर बैग के अंदर दिया है फिर ये एक बैग। चलो अभी इसका कुछ काम नहीं है, वन टास की गोली अभी मैं इसको निकाल दूँ। वैसे इसमें भी मेरे को तो सेम ही लग रहा है इशू। भाई इसमें भी कोल्ड ड्रिंक दिया है लेकिन इसके ऊपर भी एक सील है देख। क्या बात कर रहा है। हाँ ये सील के मामले में ये लोग कच्चे थे ये आउटलेट वाले। और ये एक बैग है इसके अंदर फूड है सारा, तो इसके ऊपर भी एक सील है। तेरे ऊपर भी है वैसे, इधर सॉफ्ट ड्रिंक पर नहीं है, है। और इसमें भी है, वाह भाई। हाँ और इसमें स्ट्रॉ दी है। अरे तो बाकी की जो बैग है इसमें तो नहीं है भाई कुछ। इसमें भी नहीं है भाई, स्ट्रॉ नहीं दी है दो जगह से, एक जगह से दी है। और मेन चीज ये हम कर क्यों रहे भाई, एक एक चीज मंगवाने का मतलब वो क्या है हमारा हेतु। भाई हेतु वो है कि भाई मैकडोनल्ड्स की वो ऐसा बोलते हैं कि वो इनकी क्वालिटी भाई पता चल जाएगी कि सारे आउटलेट की सेम है कि नहीं और क्वांटिटी भी। मतलब जैसे समझो मैक महाराजा बर्गर है तो बर्गर के अंदर कोई जगह लेटेस्ट ज्यादा डलती है, कोई जगह कम डलती है और कोई जगह नहीं भी डलती है। हाँ ऐसा होता है, कभी स्टॉक नहीं होता। हाँ। ना तो नहीं डालते। फिर टोमेटो आता है तो वही कितनी स्लाइस लगती है, अगर ऑनियन आता है तो उसकी कितनी स्लाइस लगती है, अगर फ्रेंच फ्राइज होती है तो भाई कितना वजन होता है और कितनी सॉल्टेड कम सॉल्टी, वो भी सब वो ऊपर से ही नमक डालते हैं ना भाई। हाँ और कभी कभी क्या होता है पता है, फ्रेंच फ्राइज है ना लार्ज ऑर्डर करते हैं ना तो बॉक्स तो लार्ज वाला आता है लेकिन अंदर कभी कभी तो ऐसी ठूस ठूस के भरी होती है और कभी कभी ऐसी भरी होती है ना कि ऐसा लगता है कि भाई सिर्फ बक्सा भेज देता तो भी चलता। तो भाई आज हम वेट भी चेक करेंगे फ्रेंच फ्राइज का भी और बर्गर का भी और ये कोल्ड ड्रिंक भी देखेंगे कि इसमें कितनी गैस है। हाँ तो भाई सबसे पहले क्या ट्राई करते हैं, कोल्ड ड्रिंक। यस है ना, तो चलिए अभी सबसे पहले कोल्ड ड्रिंक ट्राई करते हैं कि भाई गैस वाला है कि नहीं। हाँ देखो सबसे पहले बॉक्स के अंदर से निकाल के रख देते हैं तो आपको आइडिया आएगा कि पैकिंग में क्या फर्क है। वैसे तो सेम ही लग रहा है ना, सेम बिल्कुल सेम।
भाई जिधर इधर कचरा फैला रहा है ना उतना फिर हमको ही साफ करना पड़ेगा, क्योंकि आज मम्मी नहीं है ना रिद्धि है, सेम है ना। हाँ तो अभी इसको टेस्ट करेंगे कि गैस कैसा है, पहले वो खोल फिर ये। अभी मैकडोनल्ड्स से हम ऑर्डर करते हैं तो सारी चीज़ों के पैसे तो बिल्कुल सेम होते हैं कोई भी आउटलेट पर जाए, लेकिन चीज़ बिल्कुल सेम होती है या नहीं वो देखना है यार। गैस है थोड़ा बहुत, उतना भी नहीं है वो भाई, बर्फ तो आएगा। ठीक है अभी इसका देखते हैं, तीनों तीन टेस्ट करने के बाद पता चलेगा ना किसका सही है किसका नहीं है, या फिर तीनों तीन सेम है। वैसे भाई ये तो मशीन में से निकलती है ना कोके, टेस्ट तो सेम होगा। नहीं नहीं किसी में अगर CO2 कम हो गया होगा तो गैस कम आएगी, पता है तेरे को ऐसा भी होता है। अरे ये खुल क्यों नहीं रहा है, इसको पीने के लिए दिया है देखने के लिए, ये तू गड़बड़ कर देगा वो वाली। ओए अरे भाई ये तो उछलेगा। ये तूने कौन सा लिया पता है, इसका है या किसका है? ये थर्ड वाले का है। तो फिर क्यों लिया उसको, गड़बड़ कर देगा फिर तू, कैसे पता चलेगा कौन सा किसका है? ला भाई अभी चल फटाफट सुधर जा थोड़ा, सॉरी बोल। हाँ सॉरी चल। सॉरी शक्तिमान। हाँ सॉरी शक्तिमान। अरे अभी चलना अभी टेस्ट करना है मुझे, कम कैसा वाला है? इसमें आइस क्यूब नहीं है, है ना? लेकिन भाई मुझे ये थोड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगी मुझे इससे, ये पहले वाले से तो स्ट्रॉन्ग। ये तो शरबत है पूरी। क्या सच में? कोई गैस नहीं है तो भाई ये तीन में से मेरे को तो भाई इसमें ये वाली में गैस सबसे कम लगा, और मुझे ये पहली वाली में। ये तो भाई अभी अपना एक बात है, मेरे को इसमें कम लगा इसको इसमें कम लगा वो अलग चीज है, लेकिन एक बात है कि तीनों तीन सेम नहीं है। हाँ अब सबसे पहले चेक करेंगे फ्रेंच फ्राइज। हाँ और इधर की। हाँ तो भाई फ्रेंच फ्राइज हमने मंगवाई है लार्ज, और ये रही बस बाकी का बाद में, और फिर उसका वजन चेक करेंगे। भाई तेरी वाली कम लग रही है मुझे, है ना? नहीं ये हैवी पता नहीं, तो तीन निकलना टेस्ट करेंगे वजन फिर। चलो इसको साइड पे ही रख देते हैं, ये बीच में आएगा। अरे ये खुल गया भाई। हाँ टेंशन मत ले, मेरे को लगता है ये फ्राइज है ना वजन में पक्का आगे पीछे होगी। हाँ क्योंकि ऐसा हर बार होता है। रख दे इधर अभी कंफ्यूजन कर। अरे नहीं 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 तो फिर नहीं, हाँ पक्का झोल है। हाँ हाँ अभी पहले ये वाली का देखते हैं, ये है 176 ग्राम। अब ये रख 183। हाँ भाई उतना भी ज़्यादा फर्क नहीं है उतना, अभी वो रख भाई सेम ही है। अरे ये तो 152, ये सबसे कम। सोचो आप पैसे तीनों के सेम दिए हैं। हाँ और भाई ये सबसे ज़्यादा देखे तो कौन सी थी, ये थी ना 182 और ये 150, तो मतलब समझो आप 32 ग्राम का डिफरेंस है भाई। इतनी फ्राइज का तो फर्क है। अभी 30-32 ग्राम में कितनी फ्राइज आती है ना वो आपको दिखाता हूँ। पहले डाल अभी इसके ऊपर डायरेक्टली रख दो। हाँ ये 20 और डाल और डाल और 29 30, दो ग्राम और बढ़ानी है ना, ये डाल दूंगा 32। हाँ, भाई इतनी फ्राइज तो समझो भाई ये फ्राइज कुछ कम नहीं है भाई, छोटा बच्चा इतनी फ्राइज खाता है। हाँ भाई इतनी कम दी है ये बक्से में, तो भाई ये थोड़ी गड़बड़ है। तो अभी ये वजन तो चेक कर लिया, और अभी चेक करेंगे टेस्ट। पहले स्मेल, स्मेल तो सेम ही होगी, सेम भाई। ये वाली थोड़ी अलग स्मेल आ रही है मेरे को, पता नहीं अभी टेस्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो कम है ना वो सॉल्ट है या नहीं उसमें? नहीं है मुझे नहीं लगा भाई, इसमें भी नहीं लगा उतना। ऐसा कैसा? टेस्ट तो बिल्कुल सेम है। हाँ भाई कोई फर्क नहीं है, सिर्फ कम ज्यादा है। लेकिन वजन 32 ग्राम यानी भाई बहुत बड़ा डिफरेंस है, और ये लोग 32-32 ग्राम कम देते देते पूरे दिन में कितनी बचा लेते होंगे। हाँ वही ना भाई, तो वो चीज़ तो है। तो भाई फ्रेंच फ्राइज टेस्ट में तो सेम ही है, फिर दिखने में भी सेम है, लेकिन क्वांटिटी में थोड़ा फर्क है। थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा, 32 ग्राम भाई बहुत होता है। तो अभी देखते हैं कि थर्ड चीज़ में क्या डिफरेंस है। और थर्ड चीज़ यानी कि मैक महाराजा बर्गर, भाई सबसे बड़ा बर्गर मैकडॉनल्ड्स का, इतना बड़ा है ना इसके भी बाहर नहीं आ रहा। वेज मैक महाराजा,
भाई साहब ओके। और उसके साथ क्या दिया है ना वो भी चेक करेंगे विशु, सिर्फ बर्गर नहीं। आ गया भाई बर्गर आ गया। और क्या क्या है वो चेक करते हैं। देखो मेरे को एक और दो टिश्यू पेपर, तीन है देखो मेरे में भी भाई कितने हैं। हाँ, तीन है वही सेम ही दिए, तीन सेम आइला। चलो भाई ये दोनों में सेम तीन इसमें। अभी ये खाली केचप कितना है, केचप नहीं ये चिली सॉस दिया है। हाँ फिर ये दो चिली सॉस और दो टोमेटो केचप। इधर लफड़ा लगता है क्या, कुछ नहीं दिया। ये क्या है, टोमेटो केचप एक, टोमेटो केचप दो, टोमेटो केचप तीन, टोमेटो केचप चार, कोई चिली सॉस नहीं है इसमें भाई। अभी ये लास्ट वाला जो है ना चिली सॉस भी है, उसमें दो ही दिए मुझे टिश्यू पेपर। हाँ फिर अरे चिली सॉस है ही नहीं भाई, वही तो बोल रहा हूँ। और केचप भी कितने हैं, तीन केचप दिए है भाई। ये तो गड़बड़ हो गई ना, इधर दो चिली सॉस दो केचप। भाई ये बीच वाला जो है ना वो एकदम प्रॉपर दिया है कि भाई जल्दी देखो चिली सॉस भी है और साथ में टोमेटो केचप। इधर सिर्फ तीन केचप, इधर चार केचप भाई, मतलब कोई स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं करते ये लोग। ऐसे कुछ भी हाथ डालेंगे जो आएगा वो भेज देंगे, ऐसा ही हो गया ना फिर तो। वही ना, क्योंकि ये चिली सॉस भाई किसी में भी नहीं दिया है ये दोनों में, मतलब भाई गड़बड़ तो इधर भी है। हाँ तो अब ये टिश्यू पेपर दो, इसके तीन और इसके तीन काम में आएंगे भाई। मतलब वो वाले ने कम टिश्यू पेपर दिया और केचप भी एक पाउच कम दिया। हाँ तो चलिए भाई अभी ये केचप वेचप साइड पर, और अभी चेक करते हैं सबसे पहले इनका वजन। इसका है 352 भाई, 352 ग्राम इसका वेट है। अभी इसके अंदर किसका वेट है, कौन सा चीज़ ज़्यादा है कौन सा कम, वो तो ओपन करेंगे तब पता चलेगा, लेकिन फिलहाल टोटल वेट है 352। हाँ पेट में उतना ही जाएगा। 319 भाई कितना कम, 33 ग्राम का डिफरेंस है। आई मीन भाई 33 ग्राम जो कम होगा ना वो वेजिटेबल्स कम होंगे शायद, क्योंकि भाई इसमें मेन वेट तो वेजिटेबल्स का ही है। क्या पता सॉसेस भी आते हैं ना वो कम डाला होगा, लेकिन 30 ग्राम तो बहुत होता है। हाँ भाई 30 ग्राम में भाई बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। और अब ये लास्ट बर्गर, ये भी सेम है भाई 318। हाँ है ना, ये 319 ये दोनों का सेम है ऑलमोस्ट। और भाई ये बहुत हैवी है, 351 दिखा रहा है अभी। हाँ भाई इतना सारा तो क्या होगा इसके अंदर। तो भाई ये तीन बर्गर हमने प्लेट में निकाल लिए है, और अब हम चेक करेंगे एक एक लेयर उठा के कि भाई सब में एक जैसी चीजें है या नहीं। हाँ तो सबसे पहले ऊपर का बन उठाते हैं और देखते हैं कि इधर बाबा जी का ठुल्लू कुछ भी नहीं है। और इसमें भी देख लेते हैं, इसमें भी बाबा जी का ठुल्लू। और अभी ये हाँ इसमें भी कुछ नहीं है, मतलब बनाने का तरीका अभी तक तो सेम ही चल रहा है। हाँ अभी धीरे धीरे चेंज होता है या नहीं वो चेक करेंगे। तो अभी ये टिक्की उठाते हैं और देखते हैं कि क्या है। थोड़ी सी लेटस है, फिर प्याज है, थोड़ी बहुत सी प्याज है, और फिर वो पिकल है। हाँ बस वही चीज है, और सॉस वो थोड़ा वो रेड सॉस तो नहीं बोल सकते, ऑरेंज वाला चीज सॉस। अभी इसमें देख, इसमें भी वही है देख, प्याज फिर लेटस और वो पिकल और वो चीज वाला सॉस। सेम इसमें भी वही है लेटस पिकल, लेकिन सॉस कम दिख रहा है और लेटस भी कम है ना। वेजिटेबल्स इसमें थोड़े कम है भाई मुझे दिख रहा है ऐसा, लेकिन चीजें अभी तक सेम है। हाँ, सेम उतना है। कुछ डिफरेंस नहीं दिख रहा है, तो साला वेट में इतना ज्यादा डिफरेंस आ की तरह से गया भाई। ये तेरा सबसे वो ज्यादा वेट वाला है, तो वेजिटेबल्स है ज्यादा भाई क्या पता। चलो अभी भाई ये सेकंड वाला ब्रेड उठाते और देखते है कि क्या है। कुछ नहीं बाबा जी का ठुल्लू, डायरेक्ट टिक्की है, इसमें भी कुछ नहीं है। टिक्की का वजन कम ज्यादा नहीं हो सकता ना, वो तो सारा एक स्टैंडर्ड से बनती होगी। वही सब सेम अभी तक तो सब सेम है। अभी इधर सारा माल है विशु। ओ भाई जितने ऊपर वेजिटेबल्स है ना उतने अभी नीचे है, बहुत सारे, उससे भी ज्यादा है विशु। ऊपर से तो बहुत ज्यादा है, लेटस है, प्याज है, और वो वाला चीज वाला जो सॉस बोलते हैं ना, येलो वाला या ऑरेंज वाला, वो है भाई। इसमें उतने वेजिटेबल्स नहीं है तेरे जितने, तो तेरा जो वेट है ना वो ऐसा वेजिटेबल्स का ही है। वेजिटेबल्स और जो वो डाला है ना अपना सॉस उसका, और वैसे चीज स्लाइस भी है इधर एक, वो तो इधर भी दिख रही है। हाँ उई हुई, इसके अंदर वेजिटेबल्स है ही नहीं भाई देख।
है ना। हाँ वो सिर्फ ऐसा वो सॉस है वो चीज सॉस, लगता है सब्जी वाला भैया आज उधर गया नहीं था। हाँ है ना, बस तो अभी ये लास्ट लेयर अभी तो रख दे भाई, अभी ये लास्ट लेयर में तो कुछ नहीं है, मतलब सब सेम ही हो गया ना ये तो। अरे बन की क्वालिटी तो चेक करने भूल गए कि ये सॉफ्ट है कि ये हार्ड है ऐसा। तेरे को पता है तूने इसको उल्टा टांग दिया है, ये ऐसा होता है भाई। देख ये सबसे जो पहला पाव है ना ये थोड़ा सॉफ्ट है, ये बासी बासी बासी। क्या बासी? ये देख ये बासी निकला। अबे वो तो सब ऐसे होते हैं। अरे हार्ड है ये भी ऐसा हो गया देख। लेकिन ये दोनों जितने सॉफ्ट है ना, अभी इधर टच कर फिर मेरे को बता। भाई ये तो पूरा बासी है मेन चीज। अब टिक्की का टेस्ट करते हैं भाई। अबे तेरे को पता है ये टिक्की एक ही जगह बनती है फिर सारी जगह डिस्ट्रीब्यूट होती है, टेस्ट कर रहा है। अरे लेकिन फ्राई तो करते है ना वो लोग। अरे यार उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। नहीं सच में तू ये दोनों टिक्की का और तू तेरी का, तेरी सबसे ज्यादा मसाला वाली लगेगी तुझे। अब तू ये कर, फर्क ना लगे ना तो मैं मेरा नाम बदल दूंगा। बदल नहीं, अभी अभी ये चेक कर। और तुझे सबसे ज्यादा फ्रेश है ना ये लगेगी पहली वाली। अब मेरे को सबसे बासी ये लग रही है। क्या भाई टेस्ट मेरे को तो ऑलमोस्ट सबका सेम लगा और होना ही चाहिए क्योंकि भाई ये सब एक साथ ही बनता है। मेन चीज वो चेक कर रहे थे कि किसमें कितना वेजिटेबल कम ज्यादा डालते हैं, किसमें कितने सॉसेस कम ज्यादा डालते हैं। जो बनाने का तरीका है वो डिफरेंट है या नहीं वो चेक कर रहा है भाई। वो तरीका तो सेम लगा, वेजिटेबल थोड़ी कम ज्यादा है लेकिन वो तो हो जाता है क्योंकि ऐसे एक एक ग्राम करके तो कौन नाप के रखेगा। हाँ भाई वो ऐसे मशीन से तो डालते नहीं है भाई, वो इंसान ही है। हाँ। जो लोग वहां पर काम करते हैं वो तो। ये तो मेरे को चलो बर्गर तो मैं साइड पर रख सकता हूँ। हाँ सिर्फ ये इसकी ब्रेड फ्रेश नहीं है ये देखो। हाँ। वो एक चीज मेरे को इसकी थोड़ी कम पसंद आई ये वाली की। कम क्या है, मुझे तो सबसे ज्यादा कम पसंद आई ये चीज। लेकिन सबसे मेन चीज है ना भाई, फ्रेंच फ्राइज में बहुत बड़ा झोल होता है भाई। इतना डिफरेंस आज निकला समझो, 30 ग्राम का डिफरेंस, 30-32 ग्राम का भाई एक लार्ज फ्रेंच फ्राइज में होता है। तो भाई आप सोचो कि दिन की कितनी फ्रेंच फ्राइज वो लोग बेचते होंगे और कितना प्लस माइनस करके भाई बचाते होंगे या गवाते होंगे। और भाई इतनी फ्रेंच फ्राइज में तो आई थिंक वो पूरी स्मॉल फ्रेंच फ्राइज आ जाए। हाँ रेगुलर वाली जो छोटी सी आती है सबसे छोटी। हाँ उसमें थोड़ी ऐड कर दो तो वो भी बन सकती है। तो भाई वो एक देखने जैसी चीज है बस। और तो क्या, पैसे तो सब सेम लगते हैं लेकिन कम ज्यादा चीज मिलती है वो आज प्रूव हो गया मैकडॉनल्ड्स में। इतना सारा कुछ निकल आए और बिना खाए चले जाएंगे तो मजा थोड़ी आएगा। तो ये पकड़ तेरा कोल्ड ड्रिंक। मैं क्या चैलेंज करती है? ये मेरा कोल्ड ड्रिंक, मैं तो नहीं करूंगा चैलेंज। ये मेरी फ्राइज, ओ बाप रे, ये तेरी फ्राइज। और अभी लेंगे एक मस्त सा बाइट। तो दोस्तों इसी के साथ यहाँ पर आज की वीडियो एंड करते हैं। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से माई 11 सर्कल ऐप डाउनलोड करना मत भूलना। अगर आपको आईफोन 15 विन करना है वो भी सिर्फ ₹1 में, अगर आप हमारी लिंक से डाउनलोड करोगे तो आप जीत सकते हो 1 करोड़, SUV कार्स एंड और भी बड़े प्राइजेस। और साथ ही आपको मिलेगा 20% एक्स्ट्रा कैश ऑन योर फर्स्ट डिपॉजिट। तो लिंक डिस्क्रिप्शन एंड पिन कॉमेंट में मेंशन की है। तो बस आज के चैलेंज में इतना ही। आपको आज की वीडियो कैसी लगी वो नीचे कमेंट में जरूर बताना और अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाओ और सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं आपको ऐसी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।